हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कोई दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, ठीक है ना। साथ में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं एंड कैसे वो रिजल्ट्स आते हैं, इसके बारे में मैं मेनली यहाँ पर डिस्कस करूँ। ओके, तो आइडेंटिटी वाला पार्ट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है और मुझे लगता है आसान है, हमें अच्छे से तैयार हो भी जाएगा। ओके, देखिए पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट है जो इस सेशन में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एंड वो ओनली नेम है, कब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या है, कैसे किन एंगल्स को मैं कॉम्प्लीमेंट्री कहूंगा, किन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहूंगा। ओके, तो लेट मेरे पास कोई एक थीटा वन और थीटा टू है, ध्यान से समझिए। अगर मेरे पास थीटा वन प्लस थीटा टू इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो रहा है तो आपके लेवल पे ये सफिशियंट है कि दोनों एंगल कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये जस्ट वो मीनिंग वाली बात थी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मेरे पास कभी भी बात आती है तो इसका मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू अगर 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जिस इस सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ, ये कुछ रिजल्ट होते हैं। अगर मेरे पास कोई बात करता है साइन 90 माइनस थीटा की, तो ध्यान से देखिए 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, ये मैं आपको बताऊंगा। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, ये मैं आपको बताऊंगा। 10 ये आइडेंटिटीज हैं, वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। एंड कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, कॉट 90 माइनस थीटा। एंड ये जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं, सेक 90 माइनस थीटा, लाइक काफी आसान सी बातें हैं, दो तीन मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको ये सभी हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी भी आप इन रिजल्ट्स को नहीं भूलेंगे ये कितना आता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, कॉस थीटा होती है। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। तो मैं बताता हूं आपको, ये तुरंत ही आपको याद भी होने वाले हैं, लाइक टेंशन नहीं लेना है, अभी ध्यान से समझना है। ये मेरे पास कॉस थीटा आती है एंड कॉस 90 माइनस थीटा वैल्यू साइन थीटा आती है, ठीक है ना। एंड 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होती है वैल्यू, एंड कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होती है, एंड sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होती है, ठीक है। एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होती है। तो ये कैसे आता है, अभी बहुत जल्दी से आपको याद होने वाला है, मतलब लॉजिक के साथ, प्रूफ के साथ ही आपको याद होने वाला है। तो ध्यान से समझिए, बस आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है एंड इसे, इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अच्छी रखनी है, इसे समझना है मुझे अच्छे से, इसे ढंग से तैयार करना है कि है क्या है। फोकस करिए कि अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना। ये मैंने ट्रायंगल लिया एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये मेरे पास इन दोनों को मैंने मिलाया एंड ये मेरे पास ओ है, ये ए है, ये पी है। एक ही बार में सारे रिजल्ट आपको विद प्रूफ याद होने वाले हैं, बस फोकस करिए। अगर ये 90 है, तीनों एंगल्स का सम होता है 180, ये थीटा है, तो ये एंगल मेरे पास क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। जो आपको समझना है वो ये है कि अगर ये मेरे पास OA है, OA OB है, तो OB मेरे पास, लेट मैंने ये X मान लिया, ये Y मान लिया, ये L मान लिया, सही है। अब ध्यान से समझिए, जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, जो थीटा के लिए, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है थीटा के लिए, परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, बेस क्या है, एक्स है, सही है। थीटा एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, वाई है, और बेस क्या है, एक्स है। और 90 माइनस थीटा के लिए अगर मैं बात करता हूं तो बस उल्टा हो रहा है, फोकस करिए। परपेंडिकुलर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, उसके अपोजिट होता है 90 माइनस थीटा, इसके लिए बेस ये आ जाएगा एंड ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, और बेस क्या है, वाई है। यही बस आपको समझना है, अगर ये बात आपको समझ में आती है
तो सभी के सभी रिजल्ट आपको प्रूव हो चुके हैं। अब ध्यान से देखना, जो अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा की जो वैल्यू है मेरे पास, फोकस करिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वाई अपॉन एल आएगी, सही है। तो जो साइन थीटा है तो इस एंगल के लिए बेस आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा आ गया, परपेंडिकुलर बेस बन गया है, और बेस क्या है, परपेंडिकुलर बन चुका है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड लाइक अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा में मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से समझिए, कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा की मेरे पास वैल्यू होगी एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल एक्स 90 माइनस थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, साइन 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है ना। किसी को दिक्कत आ रही है, टेन चेक करना चाहता है, तो नो प्रॉब्लम यार, टेन चेक करो, ये एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से सभी रिजल्ट प्रूव हो रहे हैं। टेन मेरे पास कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा कितना आएगा, वाई अपॉन एक्स आएगा, और ये 90 माइनस थीटा के लिए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा ये 90, तो ये क्या जाएगा, कॉट ऑफ 90 माइनस कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, ओके। तो ध्यान समझिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसके लिए ये बेस बन गया, दैट्स व्हाई ये कॉस थीटा वाज 90 माइनस थीटा। ऐसे ही सभी रिजल्ट्स में ये प्रूव कर सकता हूं, कॉट निकाल लो, सेक निकाल लो, एक सेक निकालता हूं, सेक थीटा कितना होता है मेरे पास, sec theta आएगा hypotenuse upon base x x 90, ये क्या आ जाएगा, perpendicular बन जाएगा, cosec 90 minus theta, ठीक है ना। तो जो कोर समझने वाली बात है वो ये है कि जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, जो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, वो 90 माइनस थीटा के लिए क्या है, बेस है, सही है, 90 माइनस थीटा के लिए बेस है, और जो 90 थीटा के लिए बेस है वो 90 माइनस थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं ये चेंजेस आसानी से समझ सकता हूँ, तो मुझे लगता है ये रिजल्ट अब अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है, ये हर थीटा की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, साइन 90 माइनस थीटा कितना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, परपेंडिकुलर बेस बन रहा है, बेस परपेंडिकुलर बन रहा है, तो दैट्स व्हाई कोई भी दिक्कत नहीं है। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, एंड टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, एंड कोसेक सेक में चेंज होता है। तो ये रिजल्ट मुझे लगता है वो अच्छे से आपको समझ में भी आ चुके हैं, ठीक है ना। लाइक इसमें जो कोर बात थी वो ये थी कि लाइक मेरे पास अगर मैं कभी भी थीटा ले रहा हूं, तो थीटा में जो थीटा है, थीटा अगर ये एंगल है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है और वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस बन जाता है, थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस बन जाता है, ओके। तो ध्यान से समझिए, यहां पर मैंने जो कंसेप्ट आपको बताए तो वो मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। मैंने सिंपल सा टू दी पॉइंट बात की है, इलस्ट्रेशंस नहीं लिए हैं, आगे हम इसमें इलस्ट्रेशंस भी लेंगे, प्रॉब्लम्स भी लेंगे, मैंने आपको बताया है, ध्यान से समझिए, मैंने सिंपली आपको ये बताया है कि अगर साइन 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग है कि जिन दो एंगल्स का सम 90 हो, ओके, जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस है, और जो थीटा के लिए बेस है वो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ओके, तो साइन कॉस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा सेक कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ओके। तो समझ के ये रिजल्ट भी आपको तैयार करने हैं, एंड इनसे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आगे के सेशंस में मैं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ओके?